ये जो सम आप लोग देख रहे हैं, ये करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा? कैसे करेंगे? फर्स्ट 8 से करना है 1008 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 9 से करना है 1008 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 9 से करना है 1008 का मल्टीप्लिकेशन। फिर ये जो तीनों स्टेप हुआ, ये सारे तीनों स्टेप का एडिशन होगा ये सम का आंसर। तो ये करने में कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 2 मिनट्स तो लग ही जाएगा आप लोगों को। देखते हैं वैदिक मैथ के प्रोसेस में, ट्रिकी वे में, ये सम कितना जल्दी हो जा रहा है। देखें कितना जल्दी हो गया। तो यही सीखने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए, मेरे इस क्लास को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं वैदिक मैथ सिखाएगी और वैदिक मैथ में ऐसा सम कैसे होता है ट्रिकी प्रोसेस में, वो मैम सिखाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, बॉर्ना मैम आ गई है बॉर्ना ब्रिनियक्स का आज का क्लास लेके, जहाँ पे आज मैम वैदिक मैथमेटिक्स सिखाएगी। एंड वैदिक मैथमेटिक्स में क्या सिखाएगी? ऐसा वाला सम जहाँ पे 1000 बेस लेके हम लोगों को नियर टू 1000 नंबर जो है उसका मल्टीप्लीकेशन करना सिखाएगी। तो लास्ट दो वैदिक मैथ्स के क्लास में मैम क्या क्या सिखाई थी? मल्टीप्लीकेशन ही सिखाई थी नियर टू 1000 वाला नंबर से, जो दोनों नंबर ही इधर 1000 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। आज मैम क्या सिखाएगी? एक नंबर 1000 से बड़ा होगा, एक नंबर 1000 से छोटा होगा। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, यही सीखने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड मेरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो देखते हैं आज कैसा सम हम लोग सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सीखेंगे ऐसा सम। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा नंबर नियर टू 1000 है, लेकिन एक साइड में बिगर देन 1000 है, एक साइड में लेस देन 1000 है। ठीक है, तो ऐसा सम हम लोग कैसे करेंगे सीखते हैं। फर्स्ट नंबर है 1004 इंटू 987। सो 1004 एंड 987 कैसे करना है? फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर 1000 से छोटा है या बड़ा है। जो बड़ा है उसके लिए आपको प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। तो ये नंबर है 1004, दैट मींस ये नंबर बड़ा है एंड ये नंबर के लिए हम लोगों को एडिशन साइन यूज करना पड़ेगा। तो एडिशन साइन हम लोग यहाँ पे बिठा दिए हैं और अभी लिखना है कितना बड़ा है 1000 से। ये नंबर 4 नंबर से बड़ा है 1000 से और ये नंबर है छोटा, इसके लिए हम लोगों को यूज करना है सब्ट्रैक्शन साइन एंड 1000 से कितना छोटा है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। कितना छोटा है? 13 नंबर से छोटा है, तो यहाँ पे लिखना है 13। अब नेक्स्ट प्रोसेस तो सबको पता है, क्योंकि मैं नॉर्मल नियर टू 1000 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो मैं सिखा चुकी हूँ। फर्स्ट क्या करना है? ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन, विच इज 52 एंड नियर टू 1000 है, बेस नंबर इज 1000, 1000 में 30 होता है, इसीलिए लास्ट में जो नंबर आएगा इसको हम लोगों को 3 डिजिट में ही लिखना है। सो 13 4 52 जो है डबल डिजिटेड नंबर, उसको हम लोग ट्रिपल डिजिटेड कैसे बनाएंगे? आगे जीरो ऐड करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 052। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज सेम, 987 एड 4 जितना होगा 1004 लेस 13 भी वही आंसर आएगा। तो वो कितना आंसर होगा? दिस विल बी 991। ठीक है, तो लास्ट जो नंबर मैं सिखाई थी वैदिक मैथ्स में नियर टू 1000 वाला मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। अगर दोनों ही नंबर 1000 से बड़ा हो या फिर दोनों ही नंबर 1000 से छोटा हो तो यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, एक नंबर 1000 से बड़ा है और एक नंबर 1000 से छोटा है, दैट इज व्हाई यहाँ पे और एक नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो नंबर है यहाँ से आपको लेस वन करना है। सो 991 लेस वन विल बी 990 और राइट साइड में जो नंबर है इसको क्या करना है, बेस नंबर जो 1000 हम लोग लिए थे 1000 से ये नंबर लेस करना है। तो 1000 से अगर हम लोग 52 लेस कर देंगे तो आंसर कितना होगा? 948।
ठीक है, दिस विल बी द आंसर 990948। सो लिख देते हैं, सो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला सम कैसे करेंगे। प्रोसेस विल बी द सेम, फर्स्ट आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर छोटा है एंड कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर छोटा है तो माइनस साइन, ये नंबर बड़ा है तो प्लस साइन। बड़ा है तो कितना बड़ा है वो लिखना है, सेवन नंबर से बड़ा है। छोटा है तो कितना छोटा है, सेवन नंबर से छोटा है। तो ये लिख दिए हम लोगों ने। अब क्या करना है, ये लास्ट का दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, विच इज 49। 49 इज डबल डिजिटेड नंबर, बट यहाँ पे बेस नंबर है 1000, 1000 में 30 होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रिपल डिजिटेड आंसर है लिखना होगा। सो 49 को अगर हम लोग 049 लिखेंगे, वैल्यू विल बी द सेम बट वो ट्रिपल डिजिटेड हो जाता है। सो 049 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए 1000 लेस 7 एंड 993 एट 7 बोथ आर सेम, दैट विल बी 1000। अब प्रोसेस क्या है, अब प्रोसेस है आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उससे आपको माइनस 1 करना है, ठीक है, विच इज 999। और राइट हैंड साइड में जो नंबर है इसको आपको 1000 से लेस करना है, तो 1000 लेस 49 करने से कितना होगा आंसर, 951। सो आंसर है 4 टाइम्स 951। ठीक है, इजी है ना, अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्कूल में जाके फ्रेंड्स लोगों को मैजिक दिखाइए। लास्ट नेक्स्ट वाला सम करेंगे या फिर आप लोग करके मुझे बता देंगे आंसर कितना होगा। दोनों सम बाकी है, क्या करूं, एक करा दो, ठीक है एक करा देती हूँ, लेकिन लास्ट वाला सम आप लोगों को करना है एंड आंसर मुझे डेफिनेटली मेरे YouTube कमेंट बॉक्स में आके देना है, या फिर ये है मेरा ऑफिशियल फेसबुक का पेज बॉर्नर ब्रेनियक का, तो आप वहां पे भी जाके मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1011 एंड 999। सो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हम लोगों को पता है ये बड़ा है एंड ये छोटा है, कितना बड़ा है 11 नंबर से बड़ा है, और ये कितना छोटा है एक नंबर से छोटा है। तो यहाँ तक था बहुत इजी। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन विच इज 11, लेकिन हम लोगों को ट्रिपल डिजिटेड नंबर इसको बनाना है, इसलिए 11 के पहले एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। सो 011 विल बी हियर एंड नाउ 999 एड 11 एंड 1011 लेस 1 बोथ विल बी सेम, कितना होगा 1010। अब क्या करना है हम लोगों को, याद है लास्ट जो दो सम कराई थी, अभी करना है ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है इससे 1 लेस। सो 1010 लेस 1 अगर करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 1009, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपको करना है राइट साइड वाला जो नंबर है 1000 से ये 11 को लेस करना है, which is 989 and this will be your answer, ठीक है, answer is 100989, answer is 100989। ये थोड़ा सा हार्ड है, लास्ट जो दो प्रोसेस में सिखाई थी कि दोनों ही नंबर बड़ा है या फिर दोनों ही नंबर छोटा है, ये जो प्रोसेस में सिखाई थी इससे ये थोड़ा सा हार्ड है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है आप लोगों को। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनता जाएगा हर एक कंसेप्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये जो लास्ट सम है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग खुद कीजिए ये सम, इसका आंसर मुझे बताइए। अगर ये प्रोसेस समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए YouTube कमेंट बॉक्स में, या फिर बॉर्नर ब्रेनियक्स का ऑफिशियल जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी आप लोगों के साथ कांटेक्ट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो मेरे इस चैनल में आप लोग बने रहिए और भी नया कुछ सीखते रहिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके रखना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा और भी बहुत कुछ मैम आगे सिखाने वाली है, तो आप लोगों के पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।